खबर को खबर के नजरिए से दिखाते हैं हम, खबरों की तह तक पड़ताल करते हैं हम, जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि टुडे। देश दीपक वर्मा जी, ये प्रोग्राम आपने क्यों ऑर्गेनाइज किया है और पटेल जयंती के बारे में कुछ बताएं। हम लोगों ने ये प्रोग्राम ये बताने के लिए किया है कि सरदार पटेल जी जो थी उनका बहुत महान व्यक्तित्व था, आज उनकी हम लोग 146वीं जयंती मना रहे हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं जनता को कि कैसे उन्होंने 565 रियासतों को एक किया और भारत को एकजुट किया। पब्लिक मतलब जनता ये जाने कि कैसे उनका एक महत्वपूर्ण उनको जो पद जो उनको एक हिस्ट्री में उनको साइडलाइन कर दिया गया, जो उनको उतना महत्व नहीं दिया गया, वो चीज़ कैसे पूर्व के इतिहासकारों ने उनको उतना नहीं अच्छे से दिखाया। जनता ये जाने कि असली व्यक्तित्व असली देश के नेता वही थे जिन्होंने भारत को एकजुट किया। अभी आप जो है समाजवादी पार्टी के बैनर तले इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए हैं, क्या समाजवादी पार्टी से विधानसभा की तैयारी में हैं? जी, हम लोग 276 विधानसभा गोसाईगंज को से तैयारी कर रहे हैं। समाज को, आज सर्व समाज को यहाँ पे एकजुट करके ये संदेश देना चाहते हैं कि जो सरदार पटेल जी का महान व्यक्तित्व था उसकी तरह आप भी उनसे जुड़ें, और साथ में हम लोग ये चाहते हैं कि गोसाईगंज जो अभी एक बाहुबलियों का क्षेत्र रहा है, आने वाले समय में ये स्वस्थ गोसाईगंज, भयमुक्त गोसाईगंज और एक अच्छी छवि वाला गोसाईगंज बने। लोग यहाँ को जाने कि यहाँ सब भी लोग प्रत्याशी बने, यही हम चाहते हैं कि जनता इस आने वाले समय में इस तरीके इस आधार पर वोट दे। थैंक यू। भारत रत्न गुरु सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इस जयंती कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री पूजन यादव जी, कार्यक्रम के संयोजक आयोजक, नौजवान साथी सेक्रेटरी साथी, बड़े भाई देश दीपक वर्मा जी, पूर्व में से हम लोग के अभिभावक और गार्जियन, हम लोग के समाज के युवा प्रभारी तिलक राम वर्मा जी संचालन कर रहे, हम लोग के पुराने साथी संघर्षों के साथी भाई अमरनाथ पटेल जी, राजकुमार यादव जी, अभी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तैयार हुए प्रभारी बीबी वर्मा जी, अयोध्या प्रसाद जी और सामने बैठे सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग और बहुत अधिक संख्या में बैठने वाली माताओं, सबका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। और साथ ही साथ मैं आप सबसे क्षमा भी चाहता हूँ कि जहाँ पे कार्यक्रम 1 बजे का था और हम 4:30 5 बजे आए, 5 बजे का लेकर रहे, क्योंकि कई और कार्यक्रम लगे थे, इस वजह से लेकर इसके लिए व्यक्तिगत रूप से आदरणीय तिलक राम वर्मा जी से अपने गार्जियन और अगुआ है, मैं आपसे भी क्षमा चाहता हूँ कि आपके कार्यक्रम में काफी लेट आया, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह की यहाँ पे भीड़, जिस तरह का उत्साह है, कि मुझे लगता है आने वाले समय में ये आपकी पूंजी है और आपका जो व्यक्तित्व है, आपके संघर्षों की जो पहचान है, इसी वजह से 5 घंटे लेट होने के बावजूद भी यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग मौजूद है, बाहर लोग मौजूद है। मैं भारत रत्न गुरु सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर मैं सर्वप्रथम के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अभी पूर्व में हमारे पिता वक्ताओं ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन में प्रकाश डाला हूँ, मैं उन्हीं बातों से अपनी बात को संबद्ध करते हुए साथियों आप सबको जानकारी होगी, सरदार पटेल जी उन्होंने जब देश आजाद हुआ, हमारा देश कई रियासतों में, हमारा देश कई राज्यों में जो है बटा हुआ था, कहा जाता है खंड खंड भारत को अखंड बनाने का अगर कोई काम किया तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। लेकिन आज जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, ये सरकार भारत को जो सरदार पटेल जी ने खंड खंड भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया था, ये भारतीय जनता पार्टी कड़ुआ का तेल 250 रुपये बिक रहा है,
तो ये टूटी फसलों की सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। आपने देखा होगा किसान का काला कानून पिलाए हैं, और जब किसान लोगों ने धरना दिया, 8-9 महीने से धरना चल भी रहा है, और अभी आप सबको याद होगा लखीमपुर में जब धरना दिया तो वही भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने, उनके बेटे ने किसान को ऊपर गाड़ी से लौटने का काम किया है। इसलिए साथियों समय आ गया है, उसी महीनों में विधानसभा का चुनाव है, और माननीय नारायण सिंह यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी जितना काम किसानों के लिए, जितना काम उन्होंने सर समाज के लिए किया है, उतना काम आज तक कोई न कोई पार्टी कर पाई है, न कोई सरकार कर पाई है। हमारी बहुत अधिक संख्या में माताएं बैठी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ और आपको याद भी दिलाना चाहता हूँ, जब माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, तो सभी माताओं को 500 रुपये समाजवादी पेंशन देने का काम माननीय अखिलेश यादव करते थे। योगी आदित्यनाथ जी जैसे मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले कोई निर्णय लिया, यही माताओं के खिलाफ निर्णय लिया, उन्होंने समाजवादी पेंशन बंद करने का काम किया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने जा रही है, और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनेगी, और जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम सबसे पहले कोई निर्णय लेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा निर्णय लेंगे इतनी माताओं को जो हम 500 रुपये समाजवादी पेंशन देते थे, 1,500 रुपये सभी माताओं को पेंशन देने का काम कोई करेगा तो समाजवादी पार्टी करेगी। माननीय अखिलेश यादव जी ने आप सबको पता है कि समाजवादी पार्टी में कर्मी और कर्मी में कोई अंतर नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो झूठों की सरकार है, जो झूठों की जमात है। आपको याद होगा ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हमें 100 दिन दे दो और हम इस देश की महंगाई को कम कर देंगे। 100 दिन नहीं, 2,300 दिन आपने दे दिया, लेकिन महंगाई आप सोचो, जो पेट्रोल आपका 60 रुपये मिलता था आज वो 100 रुपये क्रॉस कर गया है, जो डीजल आपका 75 रुपये मिलता था आज 100 रुपये क्रॉस कर गया है। रसोई में आप स्थिति देख रहे हो, आपने किसानों की आय कम कहा की। इसके साथ ही मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूँ, समय बहुत ज्यादा हो गया है, आप सभी 11 बजे से यहाँ पे आए हैं, इसलिए दोबारा भी आप सबके कार्यक्रम में हम आएंगे। माननीय मित्र साहब के कार्यक्रम में हम लोग यहाँ कोई नेता की हैसियत से नहीं आए हैं, ना तो चीफ गेस्ट की हैसियत से आए हैं, हम लोग समाजवादी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता की हैसियत से आए हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आज आपके बीच बोलने का काम कर रहे हैं, अगर अगर मुझे वोट जाके मांगना पड़ेगा उसमें कोई विरोध नहीं, हम लोग जाएंगे माननीय मित्र साहब गाँव गाँव जाके वोट मांगने का काम करेंगे, समाजवादी पार्टी को दिखाने का काम करेंगे, और माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं पुनः भाई देश दीपक वर्मा जी। खबर को खबर के नजरिए से दिखाते हैं हम, खबरों की तह तक पड़ताल करते हैं हम, जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि टुडे।